बीएससी नर्सिंग की परीक्षा में हुए कथित गड़बड़ झाले की जांच से ग्वालियर का जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन उबर भी नहीं पाया था कि अब एनयूसीआई ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा का पेपर आउट होने का आरोप विश्वविद्यालय पर लगा दिया है। एनयूसीआई ने इस मामले की व्यापक स्तर पर जांच की मांग की है। एनयूसीआई का कहना है कि उसके पास इस मामले में पुख्ता सबूत है। एनयूसीआई का आरोप है कि इसी साल 13 मार्च को संपन्न हुई पीएचडी फिजिकल डिपार्टमेंट की प्रवेश परीक्षा का पेपर एक दिन पहले कुछ लोगों को उपलब्ध कराया गया था। एनयूसीआई के नेताओं ने जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन को कुछ लोगों के व्हाट्सएप चैट भी दिखाई, जिसमें वह पेपर दिखाया गया है जो फिजिकल डिपार्टमेंट की प्रवेश परीक्षा का है। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने मामले में जांच के बाद ही कुछ कहने की बात कही है। यूनिवर्सिटी में पहले भी कई फर्जीवाड़े और घोटालों को लेकर प्रदेश भर में इसकी बदनामी हो चुकी है। अब इसी साल 13 मार्च को संपन्न हुई पीएचडी फिजिकल एजुकेशन के एंट्रेंस परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। देखिए, पेपर आरोप नहीं है, बिल्कुल साक्ष्यों के साथ हमने कुलपति और कुल सचिव को अवगत कराया है। बिल्कुल साक्ष्य के साथ, बिल्कुल व्हाट्सएप चैट के साथ हमने बिल्कुल 31 तारीख को पीएचडी का एंट्रेंस था फिजिकल डिपार्टमेंट की, ठीक है। 30 तारीख को इनके ही कर्मचारी ने 30 तारीख को दोपहर 10:30 बजे 11 बजे अपने 3 से 4 स्टूडेंटों को व्हाट्सएप पे ये पेपर भेजा, ठीक है। और उसके सारे साक्ष्य हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध कराया। हमने तत्काल प्रभाव से कुलपति सर से बोला कि आप उसको बुला के उसकी व्हाट्सएप चेक करवाइए, 2 मिनट में दोषी पाया जाएगा। तो विश्वविद्यालय प्रशासन उससे बचता हुआ नजर आया कि नहीं, हम उस पर अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे। एनएसयूआई मांग करती है कि जल्द से जल्द ये दोषियों के ऊपर FIR कराए विश्वविद्यालय प्रशासन, और हम लोग भी इस पर FIR कराई जाएगी, और जो PhD का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। अभी NUCI के कुछ बच्चे व्हाट्सएप की कुछ चैट लेकर हमारे पास आए थे और उन्होंने एक आवेदन दिया है हमें, इसकी हम जांच करा रहे हैं। नहीं, उनका ये आरोप है कि पेपर आउट हुआ है और पेपर एक दिन पहले ही व्हाट्सएप पे किसी को मिला है, तो उन्होंने जो साक्ष्य दिए हैं उस साक्ष्य के आधार पर आज जांच करा रहे हैं इसकी हम। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।